हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हाँ क्रूर जी, अब आप साँच कह लें, बाकी का आप समझत हैं। कुमार बलराम छोट भाई के छोड़ के आपके संगे आई। ओकरा में भी एगो समस्या बा देवी। देवी रोहिणी के कहना बाकी वो दोनों दू शरीर एक प्राण बाड़न, उनका अलग कैल गईल तो वो प्राणहीन हो जाइए। नंदराय जी भी ऐसने सोचेलन। तो बस निर्णय हो गईल का आप दोनों के वहां में रहती, ये हमार निर्णय है। बाकी आप ऐसा शिक्षक नियुक्त करी जे वहां में वृंदावन में रह के गुप्त रूप से वो दोनों के चोरी चोरी अस्त्र शस्त्र के अभ्यास कराई। वो दोनों के? हाँ वो दोनों के। बाकी नंद राय जी तो साफ कहलन कि हमार बेटा के कुछ शस्त्र वस्त्र निखे सीखे के, वो तो मुरली बजाई और गैया चराई। तो ठीक बा, ओकरा मुरली ही बजावे दी ही, आप बड़का के ही पढ़ाई। हमार छोटका अनपढ़ ही अच्छा बा। ला बच गईली पढ़े के झंझट से। आपके तो निर्णय हो गई, बस अब मुरली बजावा और गैया चरावा। यहाँ से के बात नहीं खे राधे, बहुत भीषण समस्या टल गई। ना तो गुरुजी के डंडा खाए के पड़त। माई ठीक कहली कि हम अनपढ़े अच्छा हैं। अब हम कहवा वेद शास्त्र पढ़े जेती। पढ़े के बा कि अनपढ़े रहे के बा, आपकी लीला तो आप ही जानी प्रभु। हम तो बस इतना देख रहल हैं कि आप दोनों माई से एक जैसा न्याय ना कर रहल हैं। देव की माई जे आपन कोक से बेटा के जन्म दिहले, आज तक आपन बेटा के मुख देखे खातिर तरस रहल हैं। और एहर पुत्र मोह और ममता के सगरे सुख आप खाली यशोदा माई की झोली में डालत जा रहल हैं। ये कैसन न्याय बा प्रभु? एगो के इतना पीड़ा, एगो के परम सुख। राधे जकरा तो पीड़ा कहत आरू वो माई देवकी के तपस्या के शेष भाग है। उनका जे आगे चल के परम आनंद मिले के बा ओकर अधिकारी होके खातिर इतना तपस्या के हिसाब अभी बाकी रह गेल रहे। और जे तू यशोदा मैया के परम सुख के बात कहत आरू ओकर समय अब थोड़ी के रह गेल हा। थोड़ी के रह गेल हा? काहे? काहे कि हमार बाल रूप के समय थोड़ के ही रह गेल हा। हम समझ ली ना राधे, इनंद आपन पिछला जन्म में द्रोण नाम के वसु रहन और यशोदा उनकर धारा नाम के पत्नी। एक बार द्रोण और धारा नाम के दोनों प्राणी गंधमादन पर्वत पर कई हजार बरिस तक ई उद्देश्य से तपस्या कैले कि उनका हमार दुर्लभ बाल रूप के दर्शन हो जाए। जब उनका ये दर्शन ना भइल तो वो दोनों एगो अग्नि कुंड के निर्माण कैले जेमे अपना आप के समर्पित करे के निश्चय कैले। हे वसु श्रेष्ठ,
भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन बड़का बड़का योगी के भी दुर्लभ है। बड़का बड़का ज्ञानी भी ज्ञान और तर्क द्वारा वह रूप के कल्पना ना कर सकेलन। बाकी हम तुहार यह तपस्या से प्रसन्न हैं। ऐसे एह बार अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में धरती पर अवतार ली हैं, तो तुहार जन्म नंद और यशोदा के रूप में गोकुल गांव में हुई, और जब तक भगवान धरती पर अपन बाल लीला पूरा करी हैं, तब तक वो बेटा के रूप में तुहरा पास ही रही हैं। जैसे तू उनकर बाल रूप के साक्षात दर्शन करत रहबा और उनकर संपूर्ण बाल लीला के अलौकिक आनंद भी प्राप्त करत रहबा। ओम तत्सत। ऐसे राधे, जब तक हमार बाल रूप है और हम गोकुल में हैं, तबे तक उनकर परम आनंद के समय है। प्रभु, ना मालूम आप कागा करत रहेली, आपके लीला तो बहुत अचरज भरल है।